द लॉ ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का कानून कहता है आप अपने बारे में उस हद तक ही अच्छा महसूस करते हो जिस हद तक अपने जीवन के नियंत्रण में रहते हो। धरती पे किसी भी इंसान ने अपने लिए अच्छा महसूस कितना करेगा, जितना अपने जीवन को नियंत्रण में मानेगा। कितने खुशी आएगी, जितना कंट्रोल अपने जीवन पर रहेगा। आप अपने जीवन में अपने लिए उस हद तक खुशी और अच्छा महसूस करते हैं जिस हद तक आपके जीवन में आपका कंट्रोल रहता है। अगर आप रोज अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरते, मां कसम आप अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपने अपनी कही हुई बातों को अमल नहीं किया, आप अपने लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे। आप कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे जब तक आप अपनी नजरों में नहीं उठोगे, तब तक आप अपने लिए अच्छा महसूस कर नहीं सकते। जितने मानसिक रोगी होते हैं ना, वो मानसिक रोगियों को वापस जीवन दिलाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? डोपामिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। डोपामिन, डोपामिन वो हार्मोन है जो अपनी बॉडी में ऑटोमेटिक रिलीज होता है। ये कब रिलीज होता है? जब हमें अपनी पीठ थपथपाने का मन करता है। अपनी पीठ थपथपाने का मन कब करता है? जब हम कुछ अपनी जीवन में अपने से किए हुए वादे निभाने की तैयारी करते हैं। जब आप अपनी कही हुई बातों पे खरे उतरते हो ना, अरे रे, आपके भीतर डोपामिन रिलीज होता है, खुशियां रिलीज होती है, आप अच्छा महसूस करते हो। और जब जब आप अपनी नजरों में गिरते हो, जब जब आपको आप अच्छे नहीं लगते हो, जब आपको अपने पे घिन आती है, जब आप बोले यार ये काम सही नहीं किया है, ये गलत हो गया रे, तब तब आप अपने लिए अच्छा महसूस कभी नहीं करोगे। तो लॉ ऑफ कंट्रोल कहता है आप अपने लिए अच्छा कब महसूस करते हो? जब आप अपनी नजरों में खरे उतरते हो। पूरा विश्व चाहे आपको कुछ कहे नहीं कहे, बस आपको जिस दिन ये लगता ना यार मैं मेरी बात से संतुष्ट हूं, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूं, बस कोई दुनिया पीठ थपथपाए नहीं थपाए, बाद में थपथपाएंगे। बरसों तक अपनी पीठ खुद को थपथपानी पड़ती है भाई साहब। कोई आपको सर्टिफिकेशन देने नहीं आता, पूरी दुनिया चमत्कार होने के बाद नमस्कार करने आती है, पहले तो सब टांग खींचने वाले मिलते हैं। आपको अपनी पीठ को खुद को थपथपाना होगा। कैसे? जब जब आपका जीवन आपके कंट्रोल में होगा, जब आपके जीवन के निर्णय आप खुद लेते हो, तब होता है आंतरिक नियंत्रण। और जो लोग अपने जीवन का निर्णय खुद लेते हैं, जिन्हें लगता है कि वे अपने जीवन के पहियों के पीछे खुद है रे, मेरी बंदूक मेरे खुद के कंधे पे है रे, वे कम तनाव वाले, उच्च परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस वाले व्यक्तित्व होते हैं, उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। और बाहरी कंट्रोल कब है? जब निर्णय दूसरे लोग लेते हो, कोई बॉस लेता हो, या किसी और के निर्णयों में आप जब चलते हो, तो बाहरी नियंत्रण का ठिकाना बदल जाता है और ये लोगों की परफॉर्मेंस कमजोर रहती है और तनाव ज्यादा रहता है। सिर्फ आप और आप ही आपके जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय खुद ले सकते हो। ये निर्णय आंतरिक है, आपको खुद को निर्णय लेना होगा। जब आपके निर्णय को दूसरा लेना चालू कर देता है, तो वो जिंदगी अनस्क्रिप्टेड नहीं होती, वो स्क्रिप्टेड जिंदगी जीना कहलाता है। इसलिए अपने डिसीजन लो, अपने मर्दानगी के डिसीजन, असली मस्कुलिन नेचर उसे कहते हैं जो निर्णय खुद लेता है, जो डिसीजन खुद लेता है। आपकी अमीरी के डिसीजन आपको लेने होंगे, आपके घर पे जो सुख समृद्धि आने, वो डिसीजन आपको लेना है। आपकी जिंदगी में आप कहां होगे आज के 5 साल बाद, ये निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा, ये आपको ही लेना होगा। और जब जब आपके जीवन का निर्णय आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके ससुराल वाले, आपकी दुनियादारी वाले, आपका जीवन नो डायरेक्शन डायनेमो वाला हो जाए, फिर बैलगाड़ी के चारों तरफ बैलों को जोतने से जो बैलगाड़ी के फरकच्चे उड़ते हैं, आपका जीवन के फरकच्चे कैसे उड़ेंगे? आंतरिक नियंत्रण, आपका ठिकाना आंतरिक नियंत्रण, आपका खुद का डिसीजन आपका होगा, तब आप बापू बनेंगे और जबरदस्त कंट्रोल होगा आपके जीवन पे। 25 वर्षों तक मनोविज्ञान ने स्टडी करके बोला है, आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए नियंत्रण की भावना नितांत आवश्यक है। आपकी जिंदगी का हर हिस्सा आपके कंट्रोल में कब? जब आप अपने जीवन का निर्णय खुद लेंगे। ये हाई परफॉर्मेंस की भावना आपकी रहनी चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए ना, कंट्रोल में रहना चाहिए ना।